तो फ्रेंड्स, हमारा नेटवर्क का ये सीरीज चल रहा है यहाँ पर। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बहुत कुछ समझाया बताया यहाँ पर। तो कंप्यूटर के इस नेटवर्क को समझने के लिए आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो समझना होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर किस तरह की होती है, यहाँ पर उसका यूज़ क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी टाइप की होती है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर का। डिवाइसेस, कुछ सर्वर्स वगैरह किस तरह से काम करते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, हमारे इंटरनेट के अंदर। तो ये आपको समझना है, तो सभी का आपको नॉलेज होना जरूरी है यहाँ पर। मैंने पहले भी समझा दिया था, मैंने समझाया था क्या है नेटवर्क। तो आप, फिर मैंने ये भी समझाया था कि कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर मैंने मैंने कौन कौन सी कंपनीज के बारे में बताया था। ओके, फिर कुछ नेटवर्क डायग्राम मैंने बताया था, ये वीडियो आप जाकर देखिए। टोपोलॉजी का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो टॉपोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। टॉपोलॉजी क्या होती है यहाँ पर, पॉइंट टू पॉइंट टॉपोलॉजीज क्या होती है यहाँ पर, पॉइंट टू मल्टीपल टॉपोलॉजीज क्या होती है यहाँ पर। यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि बस टॉपोलॉजी क्या होती है यहाँ पर। ओके, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज में समझाई थी। रिंग टॉपोलॉजी क्या होती है, फिर मैश टॉपोलॉजी समझाई थी, स्टार टॉपोलॉजी समझाई थी, प्लस मैंने आपको हाइब्रिड टॉपोलॉजी समझाई थी, ट्री टॉपोलॉजी समझाई थी, नेटवर्क बैकबोन समझाया था, नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर कुछ बताया था मैंने आपको। ओके, जो अभी नेटवर्क डिवाइसेस के हम अंदर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम OSI लेयर के बारे में ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। नेटवर्क इंटरनेट समझाया था, प्लस मैंने आपको ये भी समझाया था कि OSI लेयर के अंदर हमारा जो गेटवे किस तरह से काम करता है। OSI मॉडल समझाया था, ये सिस्टम किस तरह से काम करती है, उसके कुछ है और भी मैंने जानकारी दी थी आपको एडवांस में। आप देख सकते हो कि यहाँ पर और भी कुछ मैंने आपको समझाया था, बेसिक कुछ नॉलेज। क्यों OSI लेयर को अलग अलग टाइम के थ्रू चेंजिंग किया गया, कितने टाइप के लेयर होते हैं यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। तो 7 टाइप की लेयर्स होती हैं, मैंने बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। एप्लीकेशन लेयर किस तरह से काम करती है यहाँ पर, वो भी समझाया था। फिर उसके काम के साथ साथ में उसको किस तरह से यूज़ करना होता है यहाँ पर, ये क्वांटम कंप्यूटर किस तरह से यूज़ करता है। प्रेजेंटेशन लेयर समझाया था, इसका काम क्या होता है यहाँ पर मैंने समझाया था। सेशन लेयर समझाया था, फिर आपको मैंने समझाया था ट्रांसपोर्ट लेयर समझाया था, फिर साथ ही मैंने समझाया था आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर किस तरह से हमारा डेटा जो इंटरनेट या दो कंप्यूटर के बीच में किस तरह से सेंड होते हैं, रिसीव होते हैं, ये भी समझाया था मैंने आपको। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट से मैंने आपको पहले से ही बना कर रखी हुई है, तो पार्ट वाइज वीडियो देखिए। नेटवर्क लेयर किस तरह से काम करती है यहाँ पर, नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है यहाँ पर, वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी हो यहाँ पर, डेटा लिंक लेयर क्या काम करती है, उसका काम क्या है यहाँ पर। फिर मैंने आपको फिजिकल लेयर बताया था, फिजिकल लेयर क्या काम करता है यहाँ पर, इसका यूज़ क्या होता है। ये मैंने कुछ फिजिकल लेयर के अंदर कुछ एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पर बताए थे, कुछ सिक्योरिटीज बताए थे यहाँ पर, नेटवर्क के टाइप कितने होते हैं यहाँ पर, ये भी समझाया था मैंने। फिर मैंने आपको समझाया था, कुछ मेथड बताई थी कि सिंपल इंटरनेट के अंदर किन किन चीज़ों को, हमारे डेटा को प्रोसेस होती है, तब जाकर हमारे डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या तो फिर एक कंप्यूटर से इंटरनेट के अंदर कैसा चलता है यहाँ पर। क्रॉस लेयर फंक्शन मैंने समझाया था, क्रॉस लेयर फंक्शन क्या होता है यहाँ पर, किस तरह से यूज़ होता है क्रॉस लेयर फंक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप जाकर देखें। और साथ ही साथ मैंने समझाया था। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है यहाँ पर। सिक्योरिटी सर्विसेज मैंने सबको समझाई थी, सिक्योरिटी सर्विस वगैरह क्या होती है, किस तरह से काम करती है यहाँ पर क्रॉस लेयर फंक्शन के अंदर। तो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्किंग मॉडल्स, जिसको OSI मॉडल रीन्यू कहा जाता है यहाँ पर। मतलब OSI मॉडल को अलग नए ढंग से और अच्छी तरह से बेहतर बनाया गया है यहाँ पर, और नए यहाँ पर उसके मॉडल्स क्रिएट किए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 1978 में जो बेसिक मॉडल बना गया था ISO, फिर उसके बाद जो नए नए अलग तरह के सिस्टम्स आने लगे, तो उसके अंदर और चेंजिंग की गई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो वायर केबल्स वगैरह यहाँ पर तो थे, लेकिन उसके अंदर नए केबल्स आने लगे, तो उसके कुछ एड्रेसिंग नेमिंग इंग्लिश ऐड किए गए। उसी तरह से और भी यहाँ पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज सर्वर्स वगैरह आने लगे, तो जो नेटवर्क इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होने के कारण कुछ मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंटर करने पड़े यहाँ पर, तब जाकर हमारा जो एक कर से कोई कंपनी या कंपनी से इंटरनेट या फिर एक देश से दूसरे देश के अंदर जो इंटरनेट कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन करने के बाद उसके अंदर डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, तो उसके अंदर यहाँ पर चेंजिंग किए गए यहाँ पर। तो टाइम टू टाइम ये चेंजिंग होते हैं यहाँ पर,
तो इसी के कारण मैं आप कंप्यूटर नेटवर्किंग मॉडल समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो नेटवर्क को भी अलग अलग नए मॉडल क्रिएट करने पड़े थे यहाँ पर, क्योंकि जो ISO कंपनी होती है यहाँ पर, ISO सिस्टम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड हो गए हैं जैसे जो होती है यहाँ पर, वो अपने नेटवर्क को और अच्छी तरह से बेहतर बनाने के लिए और सिक्योरिटी और प्लस इसको मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर चेंजिंग किए गए यहाँ पर। तो कौन कौन से नए मॉडल्स आए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमें पढ़ना होगा यहाँ पर कि मॉडल ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक। सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई भी आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो भी आपको प्रोटोकॉल के थ्रू ही चलना पड़ेगा। रूल वाइज होता है यहाँ पर, प्रोटोकॉल मतलब एक रूल, तो एक रूल नहीं होता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर रूल्स होंगे यहाँ पर। दूसरा कि पहला रूल तो ये कि अगर आपको कोई कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा भेजना है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगी। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे तो उसी के अंदर आपका OSI मॉडल आ जाएगा। सेकंड कि कोई भी डेटा आपको सेंड करना है या तो फिर उसको ओपन करना है पढ़ना है तो आपको एप्लीकेशन चाहिए होगी, तो वो एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो कोई गूगल ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी है, फायरफॉक्स है, फिर इजी ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी जैसे यहाँ पर ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा। तो ये होता है यहाँ पर, लेकिन वो जब सेंड करता है यहाँ पर कोई सर्च, हम करते हैं वेबसाइट का नाम लिखते हैं, फेसबुक लिखते हैं, यहाँ पर जो डेटा सीधा हमारे कोई सिस्टम के अंदर दूसरे सिस्टम के अंदर जाएगा, फिर या फिर वो इंटरनेट के थ्रू दूसरे सिस्टम के अंदर जाएगा, तो क्या होता है ऐसा प्रोटोकॉल को और ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए यूज़ होते हैं यहाँ पर। रिप्रेजेंटेड इन लेयर्स लिखते हैं यहाँ पर, इन प्रेजेंट करने का काम ही लेयर का काम होता है यहाँ पर। फिर चाहे एक मोबाइल से आप, एक एंड्रॉयड मोबाइल से आप दूसरे मोबाइल के अंदर फाइल एंटर कर रहे हो या शेयर कर रहे हो, तब भी ये लेयर्स ही काम करेंगे, हेल्प टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग गो टू राइट और रॉन्ग, यही काम होता है यहाँ पर। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि अगर आपने दोनों मोबाइल को कनेक्ट किया है और मान लो कि बीच में से किसी ने बंद कर दिया है यहाँ पर अपना मोबाइल, तो वो आपके मोबाइल में बताएगा कि ये आपका नेटवर्क जो है ये डिस्कनेक्ट हो चुका है ये डिवाइस। उसी तरह से यहाँ पर अगर आपने देखा होगा वाईफाई के सिग्नल्स को, तो वाईफाई जब तक होगा तब तक उसके सिग्नल बताता रहेगा आपका मोबाइल या फिर कंप्यूटर, लेकिन जैसे ही आपका वाईफाई चला जाता है तो यहाँ पर उसको पता चल जाता है यहाँ पर सिस्टम को कि ये यहाँ पर उसका सिग्नल नहीं आ रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है यहाँ पर। तो उसी तरह से ये डेटा जो होता है वो रिसीव या सेंड होते हैं यहाँ पर। इस तरह से ये क्या होता है, हमारा कंप्यूटर का एक थिंक होता है, उसका सोचने का काम करने का काम जो होता है नेटवर्क के अंदर, वो ये नेटवर्किंग मॉडल्स ही करते हैं यहाँ पर, नेटवर्क के लेयर्स ही करते हैं। तो पहले जो हमने पढ़ा था OSI 7 लेयर मॉडल, मैंने आपको समझाया था, तो OSI 7 लेयर मॉडल क्यों क्रिएट करते हैं यहाँ पर, मैंने आपको समझाया था कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये इतने सारे 7 लेयर्स है। इन्हीं 7 लेयर के कारण हमारे कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, दूसरे कंप्यूटर के अंदर फाइल या डेटा भेजते हैं, हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं मेल, साथ साथ हम मूवी देखते हैं यहाँ पर, हम यूट्यूब के ऊपर से या फिर हमारा कोई भी कोई फ्रेंड से हमें मोबाइल से कोई वीडियो भेजता है या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी हो, तो इस तरह से यहाँ पर ये 7 लेयर काम करते हैं। तो इन 7 लेयर के बारे में आपने मेरे पिछली वीडियो में पता होगा आपको, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो 7 लेयर की देखी होगी, एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर जितनी भी से जितनी भी यहाँ पे लेयर्स से उनका सबका मैंने समझाया है यहाँ पर, डिटेल में समझाया है यहाँ पर आपको, तो वो वीडियो जाकर ही ये वीडियो देखें, क्योंकि ये पिछले पार्ट का ये कंटिन्यू में चला रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पहला लेयर जो होता है फिजिकल लेयर होता है, ये दूसरा डिटेलिंग लेयर होता है, क्योंकि फिजिकल लेयर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी वायर केबल्स वगैरह लगती है फिजिकल लेयर उसको संभालता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो फिजिकल लेयर हमारे डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ट्रांसफर कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में इसलिए करता है क्योंकि जो वायर्स होती है, केबल्स होती है हमारे नेटवर्क की, या तो फिर वायरलेस सिस्टम्स होती है, वो वायरलेस फ्रिक्वेंसी होती है, जो वायरलेस सिस्टम यूज़ करते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक पर ही चलते हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनिक को समझाना पड़ता है सिग्नल्स को कि ये डेटा कहाँ से आया, किस तरह से आया यहाँ पर, कौन से, तो इन लेयर्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर। उस दूसरे डिवाइसेस भी होते हैं यहाँ पर नेटवर्क के अंदर, तो मैंने आपको समझाया था कि राउटर, स्विच,
बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस होती हैं यहाँ पर हमारे इंटरनेट को चलाने के लिए, तब जाकर हमारा सिस्टम होता है। तो कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, फिर आपका टीवी, फिर आपका रेडियो, फिर आपका ये जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल्स वगैरह होती हैं, वो एंड डिवाइस होती हैं, क्योंकि लास्ट में जो डेटा देखेंगे, यूज़ करेंगे, उसको फिर से डेटा भेजेंगे, जो सर्वर वगैरह होते हैं वो एंड डिवाइस होते हैं। लेकिन जो बीच में जो डिवाइसेस होती है, बीच में जो टेक्नोलॉजीज का एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन और डेटा सेंड करती है, रिसीव करती है, तो वो डेटा लिंक लेयर जो यूज़ करता है यहाँ पर राउटर, और तीसरा जो यूज़ करता है नेटवर्क लेयर, क्योंकि इनको पता होता है कि ये डेटा कहाँ से आया, कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से वो रिसीव होगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने आपको समझाया, चौथा लेयर जो होता है वो, तो यहाँ से पांचवा से स्टार्ट होता है सेशन लेयर का काम होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, और सेवन जो होता है एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है। तीन तीनों का काम होता है, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर का, कि डेटा को परफेक्टली उसके मोड पर, उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में जो जिसने भेजा है उस दूसरे सिस्टम के अंदर वही वैसा ही बताने का। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी पहले ही वीडियो। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखी होगी OSI लेयर्स के बारे में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा यहाँ पर, साथ ही टॉपोलॉजी में आपने देखा होगा। तो बात कर लेते हैं नेटवर्किंग मॉडल्स क्यों क्रिएट करने पड़े। तो यहाँ पर जो आया DoD DoT नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो Layer 3 का लेयर मॉडल कहा जाता है यहाँ पर, तो ये क्रिएट इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये सभी लेयर का कॉम्बिनेशन तो है ही इसके अंदर, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स वगैरह जो एंटर होने लगे, जैसे कि पावरफुल हमारे सर्वर्स आने लगे, प्लस हमारे पावरफुल हमारे नेटवर्क होने लगे, कम्युनिकेशन सेटेलाइट वगैरह भी यूज़ होने लगी। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन में बहुत सारे अलग अलग डेटा वगैरह, जैसे कि 2G है, 3G है, 4G है, तो ये 2G का लाइन, 3G का लाइन, 4G का लाइन नेटवर्क के अंदर, इंटरनेट के अंदर जो अलग अलग रखता है यहाँ पर, अलग अलग डेटा की ट्रांसफरिंग स्पीड, उसका मेथड, उसका ट्रांसफर का तरीका जो होता है, इसी के लिए यहाँ पर ये DoT 3 सिस्टम जो है कम्युनिकेशन को और अच्छी तरह से बनाने के लिए ये यूज़ होती है यहाँ पर। तो जो पुराने वाली जो लेयर्स वगैरह आप देख सकते हो कि 7 लेयर है, उसी के ऊपर से ही ये यहाँ पर यूज होती है यहाँ पर, बेसिक यही है। तो पहला जो लेयर है यहाँ पर DoT 3 के अंदर, जो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इन तीनों का काम है नेटवर्क के अंदर डेटा का काम करना, नेटवर्क को बताना कि ये डेटा यहाँ से आया, यहाँ पर जाएगा, तो ये काम करता है यहाँ पर नेटवर्क। तो ये होता है नेटवर्क लेयर LAN 1, अगर आपने लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप किया है तो। अगर आपने लोकल एरिया नेटवर्क सेटअप नहीं किया, जिसमें कहा था कि लोकल एरिया नेटवर्क किसे कहा जाता है, कि अगर आपके घर के अंदर तीन कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, या तो फिर आपने कोई इंटरनेट ज्वाइंट ही नहीं किया है, तो उसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर आपने इंटरनेट ज्वाइन किया, मतलब आपका नेटवर्क लेयर हो जाएगा, ये पहला लेयर है यहाँ पर DoT 3। दूसरा जो लेयर होता है उसका नाम ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट ही रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि ये डेटा ट्रांसफर करता है। तो ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, एक जो होता है यहाँ पर मेथड, वो जो जितनी बार उनको प्रोसेस करनी थी वो एक ही बार कर रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस, क्योंकि नेटवर्क लेयर के अंदर तीन लेयर आ चुके हैं यहाँ पर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, तीन लेयर। लेकिन यहाँ पर तीसरा आखिरी जो मॉडल है इनका, जो मैंने कहा था कि PDU जो होता है, PDU मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर का बहुत ही अच्छा काम होता है, वो डायरेक्टली सीधा पावरफुल प्रोसेस करता है, स्पीडली प्रोसेस करता है, वो एक दूसरे को सेशन, प्रेजेंटेशन लेयर, इस से एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत नहीं होती है, वो फास्ट कम्युनिकेशन में करता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई भूल से अपने वेबसाइट वापिस बंद कर दियो, या फिर आपने ओपन करना चाहते हो, रिस्टोर करना चाहते हो, तो ये जो स्पीडली काम करता है वो एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर करता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो लेजर लेयर जो होती है यहाँ पर, ये लेयर का ही बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट और इम्प्रूवमेंट करता है हमारे इंटरनेट के अंदर। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये तो क्रिएट हुआ, लेकिन मेन चीज तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इंटरनेट का बहुत सारे अलग 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 सिस्टम के अंदर, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज के अंदर एंटर हुआ। जैसे कि मैं कहूँ कि वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह यहाँ पर जो होती है यहाँ पर, जो जब स्काइप की सिस्टम वगैरह जैसे यहाँ पर, तो जो फेसबुक की सिस्टम जब आई, तो यहाँ पर जो
जो लोग फेसबुक की तरफ पिक्चर्स वगैरह, तो फेसबुक से पहले भी अलग अलग कंट्री के अंदर कुछ सोशल नेटवर्क सिस्टम की वेबसाइट थी, तो उन वेबसाइट के अंदर अच्छी तरह से और बेनिफिट और अच्छी तरह से उनके डिवाइसेस को उनके मोबाइल और उनके कंप्यूटर के अंदर जो उस टाइम पर इतना मोबाइल नहीं था, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, लेकिन जो मोबाइल के पहले जो कंप्यूटर सिस्टम थी जो दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में वो अच्छी तरह से यूज़ करते थे यहाँ पर, तो ऐसे में क्या होता था कि उनकी जो कुछ डेटा वगैरह जो थी वो छूट जाती थी, मतलब उसका डेटा का जो लोड जो था वो ये सिस्टम नहीं इतना पावरफुल उठा पा, ये दो सिस्टम इतना नहीं पावरफुल उठा पाती थी। लेकिन इसका कारण ये था क्योंकि पुराने टाइम के जो सिस्टम जो होते थे, डिवाइसेस होते, और यहाँ पर नया कोई प्रोटोकॉल एड होता था तो यहाँ पर उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती थी यहाँ पर। तो ऐसे में ये जो सिंप्लीफाइड फर्स्ट लेस फाइव लिखा है यहाँ पर, ये लेयर उसका नाम नया लेयर क्रिएट किया गया यहाँ पर, तीसरा लेयर है यहाँ पर, तीसरा लेयर का मॉडल है यहाँ पर, ये लेयर बहुत ही अच्छा काम करना आज भी यही काम करता है यहाँ पर। तो पहला जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नेटवर्क लेयर के अंदर उसको दो पार्ट कर दिए, हालांकि इसका नाम रखा गया फिजिकल लेयर को फिजिकल लेयर पर ही रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग डिवाइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नए नए जैसे कि वाईफाई सिस्टम जब आई तो वाईफाई सिस्टम के अंदर ये प्रोटोकॉल्स कुछ प्रोटोकॉल्स की कम्युनिकेशन के अंदर नेटवर्क के मॉडल्स के अंदर यूज़ करने के लिए ये फिजिकल लेयर के अंदर एक स्पेशल अलग सा एक और यहाँ पर से स्टेप कर दिया गया, अलग कर दिया यहाँ पर उस डेटा के अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पर, चाहे फिर हमारे ब्लूटूथ वगैरह क्यों ना हो। तो उसी तरह से जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है या तो फिर वाईफाई टेक्नोलॉजी होती है या फिर वायर टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पर, तो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो अलग अलग मैक हेडर होते हैं, जो एक्सटर्नल जो लोग कार लगाते हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा यूएसबी जो वाईफाई के डोंगल के सिग्नल्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, तो उसको भी यहाँ पर से एक दूसरा लेयर बना दिया गया, डेटा लिंक लेयर यहाँ पर दे सकते हो कि। तो ये डेटा लिंक लेयर जो होता है ये सिस्टम को ये हमारा मैक हेडर और अच्छी तरह से और एलएलसी सिस्टम और अच्छी तरह से यहाँ पर बनाया गया यहाँ पर। तो फिर उसके बाद जो यहाँ पर नेटवर्क की बात की जाए तो नेटवर्क के अंदर जो ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर दोनों को एक ही सिस्टम के अंदर रखा गया है यहाँ पर, जिसको पहले हमारा नेटवर्क तो होता ही यहाँ पर, लेकिन साथ साथ उसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर भी यहाँ पर होता है जो नेटवर्क के पैकेज के ऊपर फ्रेम का काम करेगा यहाँ पर, जो जब भी डेटा सिस्टम सेटअप होता है यहाँ पर जो डेटा लिंक लेयर काम करता है, लेकिन उससे पहले जो नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल्स लगते हैं आईपी एड्रेस के वगैरह, तो इसी एक ही लेयर के अंदर जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए ये यहाँ पर ये तीसरा यहाँ पर लेयर बनाया गया है। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन लेयर है वो यहाँ पर तीनों सेम ही, यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर का कुछ भी चेंजिंग नहीं किया गया है, क्योंकि इसका जो मेन सॉलिड जो वर्क होता है यहाँ पर एक सेपरेट सिस्टम ही होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो ISO सिस्टम ने सेम ही रखा है यहाँ पर, इसलिए मैंने S लिखा है यहाँ पर। ओके, लेकिन जो चेंजिंग की गई है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के अंदर ही चेंज की गई है यहाँ पर। तो इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि जो नए नए टेक्नोलॉजी के अलग अलग नए नए वर्जन वगैरह यहाँ पर आते हैं, तो कुछ सिस्टम ऐसी होती है कि दूसरे के अंदर कम्युनिकेशन तो थोड़ा कर लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन जब जब नए प्रोटोकॉल्स क्रिएट होते हैं, नए नए कोई सिस्टम्स आती है, कोई डिवाइसेस बनते हैं, तो इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होते हैं वो बहुत ही प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। ओके, ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ पर सिस्टम होती है OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन MNE मॉनिट। ओके, तो इसको इस तरह से ऑल पीपल सेम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, सभी को डेटा का प्रोसेस करना जो जरूरी होता है यहाँ पर, तो वो डेटा प्रोसेस होता है तो जल्दी फास्ट हो, इसलिए यहाँ पर ये OSI जो सेवन लेयर थी उसको उसी सिस्टम में लिया गया। इफ यू एवर टेक अ टेस्ट ऑन नेटवर्किंग, अगर आप चाहते हो कि नेटवर्क के अंदर और अच्छी तरह से यूज करें, तो आपको और अच्छी तरह से आपको इस सिस्टम को समझने के लिए आपको 10-15 कंप्यूटर, कितने भी कंप्यूटर क्यों ना हो, उसके अंदर आप देख सकते हो कि कभी कभी हमारा नेटवर्क बिजी आ जाता है यहाँ पर। इससे में ये क्या होता है कि ये सेवन लेयर के ऊपर हमारा जो होता है, लेकिन प्लस उसके साथ डिवाइस भी ऐसा कुछ कम स्पीड वाले होते, इसके लिए प्रॉब्लम होती है यहाँ पर।
तो इसके लिए यहाँ पर ये चेंजिंग की गई, यहाँ पर यू ऑल हैव टू नाउ दिस अदरवाइज यू सिंप्लीफाइड मॉडल। तो अगर ये ना होते यहाँ पर, तो अगर ये सब एडवांस कुछ सिस्टम्स ना होते तो आपको ये 7 लेयर ही आपको यूज़ करनी होती। जैसे कि देख सकते हो कि मैं नंबर मैंने एंटर किए फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन। तो इसी तरह से यहाँ पर ये एप्लीकेशन के जो कुछ वर्जन जो यहाँ पर नए लेयर एंटर किए गए, नए मॉडल एंटर किए गए। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इंटरनेट के अंदर किस तरह से डेटा फ्लो होते हैं, मतलब किस तरह से डेटा ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि कितने टाइप के मॉडल क्रिएट किए गए हैं यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे कमेंट में आप कमेंट में दिन के अंदर एंटर कीजिए। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सभी वीडियो को मेरे वन बाय वन देखिए, और कोई भी और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो तो कमेंट कीजिए मुझे, तो मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउजर वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।